साथियों नमस्कार। आज हम कोविड के पिछले कुछ दिनों से जो संख्या बढ़ रही है उसकी चर्चा करेंगे। और आपने देखा होगा कि दो दिन पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड का जो JN1 जो एक नया सब वेरिएंट आया है उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। इसकी ग्रेजुएशन कैसे होती है मैं बता दूं। सबसे पहले तो जब संसार के अंदर कोई भी चीज नहीं चलती है और फैलने लगती है तो उसको एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, यानी कि इट इज इंटरेस्टिंग टू वॉच। हमें इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। उसके बाद ये जब थोड़ा सा लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है। तो उसके बाद ये बाकी एपिडेमिक और एंडेमिक और ये सारी परिभाषाएं बनती हैं। पिछले 24 घंटे में जो प्रोग्रेस हुई मैं बता दूं कि कम से कम विश्व के 45 देशों के अंदर कोविड के पेशेंट की संख्या बढ़ी है और ओमिक्रॉन का जो ये वेरिएंट है JN1 ये सब जगह पाया गया है। भारतवर्ष के अंदर भी कम से कम 15 प्रदेशों के अंदर ये संख्या बढ़नी शुरू हुई है और पिछले 24 घंटे के अंदर करीब 700 नए केस देश भर के अंदर दर्ज किए गए और एक्टिव केसेस जो हैं इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट जो पॉजिटिव निकल चुके हैं वो है 2997। कहाँ ये संख्या कुछ 2-400 की रह गई थी, अब ये करीब करीब 3000 हो गई है। और केरला में डेथ होने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं देश भर के अंदर वो है 533,328, यानी कि संख्या बड़ी है। लेकिन रिकवरी भी इंडिया की जो है वो विश्व में आप कह सकते हैं कि अनपैरेलल्ड है, बहुत अच्छी रही। 98.8% रिकवरी हमारे देश के अंदर हुई है और 2.20 यानी कि 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन भारतवर्ष के अंदर विभिन्न फेजेस के अंदर हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICMR ने कुछ गाइडलाइंस दो दिन पहले दिए, कुछ कल दिए। जैसे पहले आपको याद होगा कि कोविड के समय पर आती थी कि हमें आगे क्या लेना चाहिए, वो ये गाइडलाइन जो है ये सभी सेक्टर्स को जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर को, हॉस्पिटल्स को और बाकी जितने स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके जो जो सेक्रेटरीज हैं और डाउन द लाइन सब लोगों को जाती हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है कि वो कहा कि अर्ली डिटेक्शन और आइसोलेशन होना चाहिए। फंडा वही है जो आज से 2 साल पहले था कि अगर डिटेक्शन जल्दी होगा तो उसकी आइसोलेशन जल्दी होगी, आइसोलेशन अच्छी होगी तो उसका स्प्रेड डिक्रीज हो जाएगा। स्प्रेड को कम करने के लिए अर्ली डिटेक्शन की बात सबसे महत्वपूर्ण करेगी। और इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, क्रिसमस है, उसके बाद आपके नए साल की फेस्टिविटी शुरू हो जाएंगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रीय जो फेस्टिवल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, उसके बाद लोहड़ी और ये त्यौहार जो आने वाले हैं। तो सरकार भी इस पर कंसर्न्ड है कि हमें इसकी स्प्रेड को कम करना। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सर्विलेंस होनी चाहिए, पूरी की पूरी सब तरह पे निगरानी होनी चाहिए फेस्टिवल सीजन के बीच में, और फिर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं जैसे कि जुकाम, खांसी, बुखार और जिसमें कि सांस की दिक्कत हो रही हो, या जो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या जिनकी अपनी इम्यूनिटी कम हो, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। और 60 साल से बड़े लोगों को इन केसेस के अंदर बहुत ही निगरानी की बात है, उनको डॉक्टर की एकदम सलाह लेनी चाहिए। और रेस्पिरेटरी टाइप जो उनकी बीमारियाँ हैं, सांस की बीमारियाँ रहती हैं या जिनको दिक्कत हो रही है उनको उसमें करना चाहिए। और सरकार ने ये भी कहा कि एडिक्वेट टेस्टिंग, पीछे आपने देखा कि टेस्टिंग काफ़ी कम हो गई थी
उन्होंने कहा जी कि हम विभिन्न क्षेत्रों के अंदर खासकर सरकारी अस्पतालों के अंदर दोबारा से एडिक्वेट टेस्टिंग की बात करें, जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट है और एंटीजन टेस्ट हैं, और उनको हमें करना है। और अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है। जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो हमें बताएगी कि आरटीपीसीआर यानी कि अगर कोविड पॉजिटिव आए तो कौन सा जीनोम है या कौन सा वेरिएंट है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। फिर सरकार ने ये भी कहा कि प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को और जनता को अवेयरनेस करने के लिए एक पब्लिक कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चालू होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम लोगों को दोबारा से ये कहें कि जहां भीड़ ज़्यादा हो, त्यौहार की जनसंख्या बड़ी हो और वहां पर लोग जो हैं अपनी उस क्राउड के अंदर बेतरतीब से लोग इकट्ठे हो रहे हों, वहां पर ना जाएं। अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क लगा कर जाएं। और उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन की बहुत आवश्यकता इसमें कही गई है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जिनको जरा सी, जो बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से बड़े, जिनको जो जो कैंसर पीड़ित हैं, कैंसर सर्वाइवर्स हैं, या जो लोग शुगर जिनकी कंट्रोल नहीं रहती, उन लोगों को थोड़े दिन तक, खासकर जैसे सर्दी का मौसम है, कोविड के बाद जिन लोगों की रिकवरी भी होगी, उन लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना है। और जिन लोगों को इंजेक्शन नहीं लगे अभी तक, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2+1, पहले 2 शॉट लगे थे, उसके बाद जो तीसरा लगा था वो भी कई लोगों ने नहीं लगवाया था, क्योंकि तब तक कोविड की संख्या कम हो गई थी। उनको ये हिदायत दी गई है कि अपने आप को प्लान करें कि हमने अपना वैक्सीनेशन कैसे करवाना है। विभिन्न सरकारी संस्थानों में इंजेक्शन लगाने की प्रोसेस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मेरी फिर प्रार्थना है कि पैनिक होने की बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन रखने की बात है। हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी है जो समय समय पर, क्योंकि वायरस है और वायरस म्यूटेट होता रहेगा, और ये अलार्म साइंस जो है हम सबके साथ में बैठते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।